हेलो एवरीबॉडी वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल रिथूज नोट्स तो आज जिस टॉपिक पे हम फोकस करने वाले हैं वो है मेनली ओल्ड इंग्लिश क्वेश्चंस आते हैं हमारे ग्रेजुएशन में कि डिस्क्राइब ओल्ड इंग्लिश एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स तो मेनली आज हमारा टॉपिक यही रहेगा जिस पे हम डिस्कस करेंगे तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं अगर आपको किसी भी तरह की मुझसे हेल्प चाहिए मैं अपनी नोट्स भी देती हूँ फिलहाल सेमेस्टर वन की ही नोट्स अवेलेबल है इंग्लिश वन कोर वन कोर टू दोनों की ही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको मेरी नोट्स चाहिए तो तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो जो कि है ओल्ड इंग्लिश इंट्रोडक्शन द इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अकर्ड इन थ्री स्टेजेस दे आर जो इंग्लिश को डिवाइड किया गया है जिस इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को डिवाइड किया गया है वो है तीन पार्ट में पहला है ओल्ड इंग्लिश दूसरा है मिडिल इंग्लिश तीसरा है मॉडर्न इंग्लिश द फर्स्ट वन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई जर्मिनिक ट्राइब्स तो जो पहला ओल्ड इंग्लिश है वो जर्मिनिक ट्राइब्स से इन्फ्लुएंस हुआ था एंजल सेक्शंस द जूट्स द सेकेंड वन हैड मच इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच तो जो फ्रेंच लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस हुआ था वो था मिडिल इंग्लिश पीरियड और द फाइनल वन स्टार्टेड फ्राम सिक्सटीन सेंचुरी और जो फाइनल है मॉडर्न इंग्लिश वो सिक्सटीन सेंचुरी से शुरू हुआ था विच इज़ नोन टू अस ऑल अस द मॉडर्न इंग्लिश और जो हम सभी को मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जान जाना जाता है डिफरेंट स्टेजेस पहला है ओल्ड इंग्लिश इन द फिफ्थ सेंचुरी यानी कि फोर फोर नाइन ए डी में द डोमिनिक ट्राइब्स केम टू ग्रेट ब्रिटेन तो ग्रेट ब्रिटेन में जो डामिक ट्राइब्स थे तीन द जूट्स द एंजल्स एंड द सेक्शन्स वो आए थे द इजेक्टेड द सेलिक ट्राइब्स एंड स्टार्टेड रूलिंग द टेरिटरी तो इजेक्टेड मतलब होता है बाहर निकाल के फेंक देना तो वहाँ के जो सेलिक ट्राइब्स रहने वाले थे उस आइलैंड में उसे उन्होंने बाहर निकाल दिया और खुद राज करने लगे उस आइलैंड में द यूज टू स्पीक द जर्मनिक डायलैक्ट और वो लोग जर्मनिक डायलैक्ट यूज करते थे अपनी बोली अपनी भाषा में द इज द ऑरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टू प्लेस और इन्ही डायलैक्ट से इंग्लिश लैंग्वेज का जो ओरिजिन है वो शुरू हुआ टर्म इंग्लिश वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई वन ऑफ द ट्राइब्स हम सभी को मालूम है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो पहली बार इंट्रोड्यूस्ड हुआ था इन सभी में से किसी एक ट्राइब्स के द्वारा द ओल्ड इंग्लिश वॉज फर्स्टली रिटेन इन द रनिंग अल्फाबेट तो जो इंग्लिश है शुरुआती दिनों में वो रनिंग अल्फाबेट से लिखा जाता था लेटर इज इट यूज दैटिन अल्फाबेट और बाद में उन्होंने लेटिन अल्फाबेट को यूज़ किया इफ यू कंसिडर इट फोनिटिकली अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को फोनिटिकली कंसिडर करें अगर उसे कंसिडर करके देखें इट वॉज वेरी क्लोज टू द ओल्ड फ्रेशियन लैंग्वेज और वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फ्रेशियन लैंग्वेज से मिला जुला लगता था इनफैक्ट सम पीपल यूज़ टू स्पीक एंग्लो फ्रेशियन और बहुत सारे पीपल तो एंग्लो फ्रेशियन ही बोलते थे इट वॉज़ कंसिडर्ड बोरिंग एंड सो फंडामेंटल वर्ड्स वेर लेफ्ट बिहाइंड और उस उन वर्ड्स को उस भाषा को बहुत ही ज़्यादा बोरिंग माना जाता था और इसलिए उसे हम सब ने पीछे छोड़ दिया सो वी कैन कंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ़ ओल्ड इंग्लिश वॉज लिंकड टू द इन्वेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तो हम सभी कह सकते हैं कि जो ओल्ड इंग्लिश की शुरुआत हुई थी डेवलपमेंट की वो इन्वेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा की गई थी जो ग्रेट ब्रिटेन जो ट्राइब्स आए थे और उन्होंने अटैक किया था ब्रिटेन में उसके द्वारा हुई थी इट ऑल्सो फाउंडेड सम वर्ड्स विच आर इन द यूज ऑफ इवेंट टूडे और वो उन लोगों ने कुछ ऐसे वर्ड्स की भी खोज की जो आज भी हम यूज़ करते हैं इट कैन बी सेट दैट इट वॉज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ द फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और हम सभी ये कह सकते हैं इससे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज था इंग्लिश डेवलपमेंट का विदाउट इट वी कैन नॉट एज्यूम एनी फर्दर डेवलपमेंट ऑफ दिस लैंग्वेज और इस लैंग्वेज के हम किसी भी तरह के आगे डेवलपमेंट की उम्मीद नहीं कर सकते थे अगर ये स्टेज नहीं आया होता तो ओल्ड इंग्लिश कैरेक्टरिस्टिक्स पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोनन्शिएशन द प्रोनशिएशन ऑफ ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स डज नॉट टैली विद द प्रोनसीएशन ऑफ देयर मॉडर्न इक्विवेलेंट्स तो जो प्रोनसीएशन ऑफ ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स है जो भी ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो मॉडर्न इंग्लिश के उस उनके ही इक्विवेलेंट के वर्ड से मैच नहीं करते हैं द लॉन्ग वॉवल्स हैली मॉडिफाइड जो तो जो लॉन्ग वॉवल्स यूज होते थे वो मॉडिफाइड कर दिए गए थे ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स आर सिमिलर टू द इंग्लिश वर्ड्स बट मॉडर्न इंग्लिश वर्ड्स बट द वॉव्स आर डिफरेंट तो जो ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स है वो मॉडर्न इंग्लिश के वर्ड से एक मिनट हाँ तो जो मॉडर्न इंग्लिश के वर्ड्स है उससे सिमिलर होते थे लेकिन वॉवल्स को बस चेंज कर दिया जाता था जैसे एग्जाम्पल देखते हैं ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि स्टैंड तो स्टैंड में ए वॉवल है तो आज हम मॉडर्न इंग्लिश में उसे स्टोन यूज करते हैं और ओ यूज करते हैं उसी तरह बैन है जिसे हम बोन यूज करते हैं दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा स्पेलिंग ओल्ड इंग्लिश मेड यूज ऑफ टू लेटर्स पी एंड द टू रिप्रजेंट द साउंड ऑफ द एंड ईद रिस्पेक्टिवली तो दो वर्ड है जो ओल्ड इंग्लिश यूज़ करता था प और द साउंड जिसको कि वो यूज़ करता था टूट रिप्रजेंट द साउंड ऑफ द और ईद जैसे कि विप डब्ल्यू आई पी वो पी यूज़ करता था लेकिन इसके जगह में वो साउंड द यूज़ करता था जैसे कि मॉडर्न इंग्लिश में आज हम इसे विद कहते हैं उसी तरह देन देन ओल्ड इंग्लिश ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द साउंड ऑफ एस एच बाई एस सी और एस एच के भी साउंड को वो एस सी से दर्शाता था ओल्ड इंग्लिश में एंड द साउंड ऑफ के बाय द सी तो जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ स्कीप यूज़ करते हैं लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम इसे शिप यूज़ करते हैं यहाँ किन है यहाँ स्पेलिंग देखिए किन प्रोनाशिएशन सेम है किन और किन लेकिन यहाँ पर सी यूज़ करते थे ओल्ड इंग्लिश में और आज हम इसे के यूज़ करते हैं सी वॉज ऑल्सो यूज फॉर सी एच इन द ओल्ड इंग्लिश और सी एच के भी साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए ओल्ड इंग्लिश में सी यूज किया जाता था जैसे कि बैंक बी ई एन सी है बैंक लेकिन आज हम इसे बेंच यूज करते हैं वो यहाँ भी बेंच प्रोनाशिएशन होता लेकिन वो सी एच को दर्शाने के लिए बस सी यूज करते थे और आज हम सी एच दोनों यूज करते हैं तीसरा इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वोकेबलरी द वोकेबलरी ऑफ ओल्ड English is almost purely native, as it contains only a few words derived from the Latin and none of those derived from the French. तो जो vocabulary है old English का वो हम उसे हम प्योर कह सकते हैं क्योंकि कुछ ही वर्ड्स है जो कि Latin से लिया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में और ऐसा कोई भी वर्ड्स नहीं है जो कि फ्रेंच या किसी भी अदर foreign लैंग्वेज से डिराइव किया गया था या उसे लोन लिया गया था इन दिस रिस्पेक्ट ओल्ड इंग्लिश स्टैंड्स इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू मॉडर्न इंग्लिश और इस तरीके से अगर देखा जाए तो ओल्ड इंग्लिश बहुत ही ऊपर दर्जे में खड़ा होता है एज रिलेटेड टू मॉडर्न इंग्लिश बट द फैक्ट रिमेज द सेम लेकिन बात वहीं पर अटक जाती है कि अ लार्ज पार्ट ऑफ द वकैबलरी ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज अन फेमुलियर टू द रीडर्स ऑफ मॉडर्न इंग्लिश की जो ओल्ड इंग्लिश के रीडर्स है मॉडर्न इंग्लिश के रीडर्स है वो ओल्ड इंग्लिश के आज भी अनफेमुलियर हैं उसके वोकेबलरी को वो जल्दी समझ नहीं पाते जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ओल्ड इंग्लिश के वर्ड है गॉड इसे प्रनाउंस यू गुड ही किया जाता था लेकिन साउंड बस ओ था यहाँ पे स्पेलिंग बस ओ थी और देखिए मॉडर्न इंग्लिश में उसी को हम गुड लेते हैं जैसे गार्स ग्रास विफ वाइफ चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा ग्रामर द मोस्ट फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड मॉडर्न इंग्लिश इज़ इन ग्रामर तो जो तो सबसे फंडामेंटल डिफरेंस हमें देखने को मिलती है ओल्ड और मॉडर्न इंग्लिश के बीच में वो है ग्रामर में जैसे ओल्ड इंग्लिश इज अ सिंथेटिक लैंग्वेज ओल्ड इंग्लिश को हम सिंथेटिक लैंग्वेज के नाम से जानते हैं दैट इंडिकेट्स द रिलेशन ऑफ द वर्ड्स इन द सेंटेंस बाई मीन्स ऑफ इन्फ्लेक्शन हम सभी जानते हैं कि ओल्ड इंग्लिश में इन्फ्लेक्शन का यूज हुआ जाता था तो इसे हम सिंथेटिक लैंग्वेज इसलिए कह कहते हैं क्योंकि जो रिलेशनस थे वर्ड्स के जो भी सेंटेंस भी यूज़ होते थे उसे इन्फ्लेक्शंस के बेसिस पर जाना जाता था वाइल मॉडर्न इंग्लिश इज ए लैंग्वेज और उधर ही मॉडर्न इंग्लिश एक एनालिटिक लैंग्वेज है दैट यूज प्रिपोजिशन वर्ब्स एंड द फिक्स वर्ड ऑर्डर जो कि अपने सेंटेंस में प्रिपोजिशन वर्ब्स को दर्शाता है और एक फिक्स वर्ड ऑर्डर को दर्शाता है जिससे कि हम रिलेशन को पता कर सकते हैं फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा ग्रामेटिकल जेंडर ओल्ड इंग्लिश नाउंस आई हैव टू नंबर्स तो ओल्ड इंग्लिश के जो नाउन्स हैं वो टू नंबर्स दो भागों में डिवाइड होते हैं सिंगुलर और प्लूरल। इट हैज़ थ्री जेंडर्स और तीन जेंडर होते हैं मैस्कुलिन फेमिनिन एंड न्यूटन दिस्टम ऑफ जेंडर इज इेशनल बिकॉज इट वॉज नॉट डिपेंडेंड अपॉन द कंसिडरेशन ऑफ सेक्स हम सभी जानते हैं कि ओल्ड इंग्लिश में एज अं कंसिडरेशन ऑफ सेक्स को लेके रिलेशन uh, नहीं डिस्क्राइब होता था इन्फेक्शन्स को लेके होता था वहीं इन मॉडर्न इंग्लिश ऑल मेल्स आर आसेट टू बी मैस्कुलिन सारे ही मेल्स को मैस्कुलिन कहते हैं फीमेल्स को फेमिनिन कहते हैं और जो भी इनसे अलग होते हैं इन एनिमेट थिंग्स को न्यूटर के भागों में डाल दिया जाता है जैसे कि इन ओल्ड इंग्लिश स्टैंड जो कि स्टोन है इज मैस्कुलिन उसे मैस्कुलिन कैटेगरी में डाला जाता था जर्मन वर्ड्स लाइक विफ जो कि वाइफ है विच आर एक्स एक्सपेक्टेड टू बी फेमिनिन जो कि वाइफ है जो कि एक औरत के दर्जे में आती है जिसे कि फेमिन की कैटेगरी में डाला जाता था लेकिन डालना चाहिए था फेमिन में लेकिन ओल्ड इंग्लिश में हम उसे न्यूटर की कैटेगरी में डाल देते थे एंड द वर्ड विफ मैन जो कि वुमेन है जिसे भी फेमिन में होना चाहिए था लेकिन उसे मेस्कुलिन में डाला जाता था बिकॉज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड इज मेस्कुलन क्योंकि जो सेकेंड एलिमेंट है मैन वो मेस्कुलिन में आता है तो इसलिए पूरे के पूरे वुमेन को वो लोग मेस्कुलन कैटेगरी में डाल देते थे ऐसा ओल्ड इंग्लिश में होता था छठा कैटेगरी है हमारा द नाउन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्ट्रिस्टिक्स है द इन्फ्लेक्शन ऑफ ओल्ड इंग्लिश नाउन सो सिंगुलर एंड प्रूरल और ओल्ड इंग्लिश के नाउंस के वर्ड्स को सिंगुलर एंड प्रूरल में डिवाइड करते हैं ओल्ड इंग्लिश नाउंस हैव फोर केसेस ओल्ड इंग्लिश नाउन के फोर केसेस होते हैं द एंडिंग ऑफ विच वेरी विद डिफरेंट नाउन्स बट फॉल इन टू टू कैटेगरीज जिस नाउन की कैट एंडिंग्स जो होती हैं अलग अलग शब्दों से होती हैं अलग अलग लेटर्स से होती हैं लेकिन वो हमेशा दो कैटेगरी में जाकर गिरती हैं पहला है द वॉवल सेकेंड इज़ द कॉन्सोस तो हम यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं सिंगुलर जैसे कि चार भागों में डिवाइड किया है नॉमिनेटिव जेनेटिव डेटिव और एक्यूजिटिव तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ये एक वर्ड है जिफ जिसका एंडिंग यहाँ ए होता है इसमें ई e होता है फिर ई e होता है फिर ई e होता, e होता है उसी तरह प्रूलर में देखेंगे तो नॉम जेन डेट एक में फिर से जिफ में देखिए यहाँ पर एंडिंग जैसा कि हम लोगों ने कहा कि एंडिंग वेरी करते हैं लेकिन हमेशा दो कैटेगरी में फॉल होता है तो एंडिंग यहाँ भी वेरी कर रहा है ए ए एम एफ फिर आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में द एडजेक्टिव इन ओल्ड इंग्लिश एडजेक्टिव लाइक नाउंस है उसमें भी जेंडर होते थे देयर आर टू डिकलेंशन ऑफ एडजेक्टिव दो डिकलेंशन होते थे वन इज स्ट्रॉन्ग डिकलेंशन अदर वन इज वीक वीकेंशन तो जो एडजेक्टिव दो डिकलेंशन में डिवाइड होते थे पहला स्ट्रोंग दूसरा वीक फिर यहाँ भी हम उसी तरीके की एक एग्जाम्पल देख लेंगे ये थोड़ी सी याद करने में इजी भी है अगर समझ जाओ तो और थोड़ी सी हार्ड भी है नहीं लिखोगे एग्जाम में तो कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं होगी लिख लोगे तो बहुत अच्छा है कोई दिक्कत नहीं है समझने में जैसे कि देखिए हम यहाँ स्ट्रॉन्ग डिक्लेंशन को दिखाते हैं और यहाँ वीक डिक्लेंशन को दिखाते हैं यहाँ सिंगुलर पहले पार्ट को हम सिंगुलर में लिए हुए हैं दूसरे में प्लुरल लिए हुए में तो सिंगुलर में नॉम जैन डेट एक ऐसे डिवाइड कर देना है और फिर एक वर्ड गुड को ले लेना है गॉड को और फिर यहाँ हर किसी की एंडिंग को आपको याद कर लेना है और फिर उसी कैटेगरी जैसे कि मैस्कुलिन और न्यूटर में है वहाँ पर इस तरीके से डिवाइड कर देना है बस एंडिंग वेरी करेगा गिरेगा सारे उसी कैटेगरीज में फिर उसी तरीके से हम रूरल में भी देख सकते हैं कि नॉम जेन डेट एक और इसमें भी बस एंडिंग वेरी कर रही है तो आपको बस मेनली एंडिंग डेट याद याद करना है क्योंकि गॉड तो एक ये वर्ड तो सारे में ही सेम है बस आपको ये दिखाना है कि किस तरीके से एडजेक्टिव में एंडिंग वेरी करती है और वो अलग अलग डिकलेंशन में गिरती है स्ट्रॉन्ग में ये ये में आती है और वीक में बस इतने में आती हैं तो आपको बस यही चीज़ दिखाना है तो एक बार आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा बस इसकी एंडिंग्स याद करनी है बाकी आपको ऐसी याद हो जानी है तो ये थी आज की हमारी वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें कमेंट में बताएं मुझे अगर आपको ऐसे किसी भी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो मैं अपने नोट्स बनाकर जरूर आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी जितनी जल्दी हो सके और मैं अपनी नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ फिलहाल सेमेस्टर वन की ही नोट्स अवेलेबल हैं तो अगर आपको चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि मुझे अगर आपको नोट्स चाहिए तो टिल देन Mm good